हेलो एवरीवन आई एम माहिंग अश्वनी आज मैं आपको बताने वाली हूँ बबल फ्लावर बॉल हम कैसे क्रिएट करते हैं इसके लिए हम प्रोडक्ट लेके बिल्डर जेल डॉटिंग टूल्स एंड कुछ जो हमारे मटेरियल होते हैं डेकोरेशन के उसमें से मैं कुछ मोती लूँगी फर्स्टली मैं डॉटिंग टूल को बिल्डर जेल में डिप करूँगी बिल्डर जेल में आपको डोटिंग टूल को डिप करना है एंड देन जो मोती होते हैं उन मोती को मैं उस जोटिंग टूल को डिप कर दूंगी ना कि क्या होगा जितने भी मोती होंगे वो जो बिल्डर जेल है उसके स्टिक हो जाएंगे इसको हम सिक्सटी सेकंड क्योर करेंगे जब भी आप ई डोटिंग टूल को हम क्योर करने लगेंगे तब हम क्या करेंगे डोटिंग टूल्स को राउंड राउंड घुमाएंगे ताकि एक बॉल्स क्रिएट हो अगर हम राउंड नहीं घुमाएंगे तो सारा जो बिल्डर जेल है वो नीचे आ जाएगा इस तरीके से देखिए सारे मोती स्टिक हो गए हैं अब दोबारा हम बिल्डर जेल में डिप करेंगे एंड ऐसे ही राउंड घुमाते हुए हम सिक्सटी सेकेंड क्योर करेंगे एंड आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में से जो भी नेल आर्ट सीखना चाहता है उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं एंड बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए मैं इसी तरीके की नेल आर्ट से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ लाती रहती हूँ ताकि आपको न्यू न्यू चीज़ें सीखने को मिले एंड आप फ्री नेल आर्ट कोर्स करना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं वहाँ पर मैंने बिल्कुल बेसिक टू एडवांस नेल आर्ट की क्लासेस की हुई है बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको ईच एंड एवरी टॉपिक कवर हो जाएंगे तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं ठीक है अभी इसको सिक्सटी सेकंड क्योर करने के बाद हम क्या करेंगे एक इसको पूरा फाइल कर देंगे हम एक बार इसका प्रॉपर जेल वाइप्स करने के बाद इसको फाइल कर देंगे प्रॉपर राउंड शेप के लिए जैसे आप इसको राउंड करके करेंगे तो वो राउंड ऐसे डोटिंग टूल्स को राउंड करके क्योर करेंगे तो वो राउंड ही होगा फिर भी आप एक बार मैं इसको जैसे बॉल्स पूरी प्रॉपर बन जाए उसके लिए मैं थोड़ा फाइलिंग कर रही हूँ प्रॉपर फाइलिंग करने के बाद हम क्या करेंगे जेल पॉलिश लेंगे जिस भी कलर की आपको बॉल पेटल्स देनी है उस कलर की आप जेल पॉलिश ले सकते हैं मैं पर्पल कलर की ही जेल पॉलिश ले रही हूँ एंड उसमें हम फिर पेटल्स क्रिएट करेंगे आप कोई भी कलर की जेल पॉलिश ले सकते हैं पिंक कलर ब्लैक कलर जिस भी कलर के आपको पैटल्स क्रिएट करनी है, बॉल्स देनी है उस कलर के आप जेल पॉलिश दे सकते हैं ठीक है जेल पॉलिश से हम पेटल्स कैसे बनाएंगे आपको एक स्पाइनर ब्रश लेना है स्पाइनर ब्रश की हेल्प से आपको इस तरीके से पेटल्स क्रिएट करनी है जिस तरीके से मैं पेटल्स क्रिएट कर रही हूँ आपको जो मोती हमने बीच में लगाए थे उस मोती जितना स्पेस आपको छोड़ना है क्योंकि वो मोती दिखने चाहिए ऐसा नहीं बिल्कुल ऊपर से आप पेटल्स क्रिएट कर दोगे वो नहीं करना है आपको मोती दिखे इतना स्पेस बीच में छोड़ना है एंड साइड में पेटल्स क्रिएट करनी है ऐसे अच्छे से हम पेटल्स क्रिएट करेंगे एंड आपको एज ए प्रोफेशनली वर्क करना है नेल आर्ट इंडस्ट्री में एंड आपको सर्टिफिक नेल आर्ट इंडस्ट्री में आपको एज ए प्रोफेशनली वर्क करने के लिए सर्टिफिकेट की भी नीड होती है तो उसके लिए आप मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस नेल आर्ट कोर्स कराया जाता है एज अ प्रोफेशनली क्लास होती है वहाँ पे आपको प्रोफेशनली सर्टिफिकेट मिलता है आपके एड्रेस पे सर्टिफिकेट होता है बहुत मिनिमम फ़ीस में आपको डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है एंड बहुत डीप में नॉलेज दी जाती है वहाँ पर आपको ईच एंड एवरी टॉपिक की तो आप मेरी वो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो उस क्लास के लिए मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में, में मेंशन कर दूंगी तो आप मुझे वहाँ कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो उस क्लास के बाद आप एज ए प्रोफेशनली वर्क कर सकते हो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट बहुत अच्छा एज ए प्रोफेशनली वर्क करते हैं बहुत मिनिमम फ़ीस में आपको एज ए प्रोफेशनली कोर्स प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पर कुछ भी डाउट रहता है क्लास के लिए कुछ भी इंक्वायरी करनी होती है आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर देंगे ठीक है ये मैंने ब्रश की हेल्प से पैटर्स क्रिएट कर दी है अब मैं इसको सिक्सटी सेकंड क्योर करूँगी ऐसे इसको राउंड घुमा के ही सिक्सटी सेकंड क्योर करूँगी एंड देन वापस इसको क्या करूँगी मैं बिल्डर जेल में डिप कर दूँगी ऐसे पेटल्स क्रिएट करनी है बिल्डर जेल में डिप करना है डिप करने के बाद वापस हम इसको क्योर करेंगे सिक्सटी सेकंड ये चीज़ आप याद रखिएगा जब हम बिल्डर जेल में इसको क्योर कर रहे डिप कर रहे हैं तो ऐसे राउंड घुमा के हमें इसको क्योर करना है ऐसा नहीं कि अगर आपने राउंड नहीं घुमाया तो सारा जेल नीचे की साइड आ जाएगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ठीक है वापस से हम इसको जेल वाइप्स करेंगे जब भी हम जेल को क्योर करते हैं उसके बाद हमें इसको जेल वाइप्स करना है एंड दोबारा से हम पेटल्स क्रिएट करेंगे अब जो हम पेटल्स क्रिएट करेंगे पहले जहाँ पेटल्स हमने क्रिएट की थी उसके थोड़ा नीचे हम क्रिएट करेंगे जस्ट उसके ऊपर आपको पेटल्स क्रिएट नहीं करनी है अदरवाइज प्रॉपर पेटल्स नहीं बनेगी तो जिस तरीके से मैं अभी पेटल्स क्रिएट कर रही हूँ उस तरीके से आपको पेटल्स क्रिएट करनी है एंड आप इसमें जितनी चाहें उतनी पेटल्स क्रिएट कर सकते हैं कुछ ग्लिटर ऐड करना चाहते हैं ग्लिटर ऐड कर सकते हैं एक पेटल्स क्रिएट की एक कलर में दूसरी पेटल्स दूसरे कलर्स में क्रिएट की अब वो भी कर सकते हैं मतलब क्रिएशन आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ कि किस तरीके से ये बॉल्स क्रिएट हो सकती है इसमें और कितने क्रिएशन भी आप ऐड कर सकते हैं हम हमारी क्लास में यही बताते हैं प्रॉपर टेक्निक बताते हैं कौन सा वर्क किस तरीके से होता है क्रिएशन आप अलग अलग एक ही डिज़ाइन में अलग अलग क्रिएशन कैसे कर सकते हैं वो हम हमारी क्लास में यही चीज़ें आपको क्लियर करते हैं ठीक है मैंने सेकंड पेटल्स बनाई है उसको मैं सिक्सटी सेकंड क्योर किया है और वापस से मैं इसको बिल्डर जेल में डिप करूँगी इसी तरीके से आपको सेकंड टाइम वापस बिल्डर जेल में डिप करना है एंड वापस से हम इसको सिक्सटी सेकंड क्योर करेंगे जितनी भी पेटल्स आप बनाएंगे बहुत अच्छी लगेगी वो बनने के बाद जैसे हम बिल्डर जेल में क्योर करेंगे तो वो बहुत अच्छी लगती है एक एक पेटल्स आपकी प्रॉपर दिखती है ऐसा नहीं कि पेटल्स नहीं दिखेगी अब इसको क्योर करने के बाद जब भी हम कोई बिल्डर जेल यूज़ करते हैं जेल एक्सटेंशन में या किसी में भी तो क्योर करने के बाद हम उसको जेल वाइप्स करते हैं तो हम इसको जेल वाइप्स करेंगे जेल वाइप्स करने के बाद हम क्या करेंगे टॉप कोट लगाएंगे अब मैं इसको एप्लीकेशन कैसे करेंगे नेल्स में वो भी मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा कि इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी इसकी एप्लीकेशन हम डिफरेंट वे से देखें करेंगे क्योंकि हर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन का वे भी अलग अलग होता है तो हम इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट वे से करेंगे पूरा मैं प्रॉपर एप्लीकेशन करके आपको बताऊंगी या मैंने जेल वाइप्स कर दिया है जेल वाइप्स करने के बाद हम क्या करेंगे टॉप कोट अप्लाई करेंगे इस पर टॉप कोट अप्लाई करके हम इसको क्योर कर देंगे सिक्सटी सेकंड एंड में अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इंस्टाग्राम आई का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ भी आपको काफ़ी नेल आर्ट से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस वगैरह देखने को मिलेगी वहाँ से भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी तो वो इंस्टाग्राम अकाउंट भी आप मेरा फॉलो कर सकते हैं एंड इस वीडियो को लेकर कुछ भी डाउट रहता है या प्रीवियस वीडियो को लेकर कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अब इस बॉल्स को हम बिल्डर ये डोटिंग टूल्स में से निकाल लेंगे निकालने के बाद हम क्या करेंगे बिल्कुल राउंड है तो जब हम इसको नेल्स पर स्टिक करेंगे तो पूरा राउंड है तो वो स्टिक नहीं होगा तो हम क्या करेंगे फाइलर की हेल्प से इसमें बफरिंग करेंगे पूरा अच्छे से नीचे से हम इसको फ्लैट कर देंगे बफरिंग करके ताकि जब हम नेल्स में इसको स्टिक करेंगे तो अच्छे से स्टिक हो जाए जितनी आप बॉल फ्लैट करना चाहते हैं उतनी अगर आपको थोड़ी बड़ी बॉल रखनी है तो आप ज़्यादा फ्लैट मत कीजिएगा बस इतना ही फ्लैट कीजिएगा वो स्टिक हो जाए अगर आपको छोटी बॉल करनी है तो अच्छे से फ्लैट कर दीजिएगा जितनी छोटी रखनी है उतना फ्लैट कर दीजिएगा मेरे को थोड़ी बड़ी रखनी थी तो मैंने थोड़ा फ्लैट कर दिया है ताकि वो स्टिक हो जाए अब हमने इसको फाइल किया था तो हम इसको वाइप से क्लीन कर लेंगे ठीक है क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे मैं अब आपको इसको नेल्स पर स्टिक करके बताऊंगी किस तरीके से स्टिक कर सकते हैं देखिए दूसरे कलर्स में मैंने बनाई थी तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में बना सकते जो भी कलर आपको पसंद हो ये पेटल्स ऐसे क्लियर दिखती है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं अब मैं नेल्स में स्टिक करके बताऊँगी किस तरीके से स्टिक करते हैं बस मैं बिल्डर जेल ले रही हूँ बिल्डर जेल में मैं इस बॉल्स को रख दूँगी ये जो आ, हैवी जो जो ज्वेलरी होती है या इस लगे थ्री बॉल्स होते हैं थ्री ज्वेलरी होती है थ्री डी होते हैं जो भी होता है हम बिल्डर जेल से बहुत अच्छे से स्टिक कर सकते हैं मैंने बिल्डर जेल लगाया इसको सिक्सटी सेकंड क्योर किया अब मैं इसके नीचे और कुछ मुझे ज्वेलरी ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगी जैसे मुझे कुछ पर्ल्स ऐड करने मोती ऐड करने हैं कुछ तो मैंने जहाँ जहाँ मुझे ऐड करने हैं वहाँ वहाँ मैंने बिल्डर जेल अप्लाई किया अब मैं इसको लगा के जहाँ जहाँ मुझे लगाने हैं वहीं सिर्फ आपको बिल्डर जेल अप्लाई करना है ऐसे पूरे नेल्स पर नहीं अप्लाई करना है इस तरीके से अप्लाई करके अब मैं इसको वापस से सिक्सटी सेकंड क्योर करूँगी जितनी आपको जैसे कि जितना भी वर्क करना है वन बाय वन कीजिएगा बिल्डर जैसे जैसे मैंने पहले बॉल पे बिल्डर जेल लगाया एंड उसको क्योर किया फिर सेकंड टाइम इन मोती लगाने थे तो इसके नीचे मैंने बिल्डर जेल लगाया एंड देन इसको क्योर किया अब इसके नीचे मुझे और ऐड करने तो जहाँ जहाँ मुझे मोती ऐड और छोटे वाले मोती मुझे ऐड करने हैं तो जहाँ जहाँ मुझे ऐड करने हैं वहीं वहीं मैं बिल्डर जेल लगाऊंगी बाकी एक्स्ट्रा जगह आपको बिल्डर जेल नहीं लगाना है इस तरीके से आप मोती क्रिएट मोती स्टिक कर सकते हो सभी जगह हम मोती स्टिक कर देंगे जहाँ जहाँ मैं इसको मोती लगाने हैं एंड आपको नेक्स्ट किस पे वीडियो देखनी है आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं डेफ़िनेटली उस पर वीडियोज़ बनाऊँगी मैं मोस्टली उसी पे वीडियो बनाती हूँ जो मेरे पास कमेंट आते हैं उसी पे मैं ट्राई करती हूँ कि वीडियो बनाए ताकि आपकी हेल्प हो जाए तो नेक्स्ट किस पे आपको वीडियो देखनी है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं एंड इस वीडियो को लेकर कुछ डाउट रहता है तो वो भी मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मैं डेफ़िनेटली आपको रिप्लाई करूँगी मैं ट्राई करती हूँ कि मोस्टली सभी आ, सभी के क्वेश्चंस का मैं आंसर दे पाऊँ ठीक है इस तरीके से हम मैंने कुछ मोती ऐड कर दिए हैं अगर कहीं आपका एक्स्ट्रा नेल पर बिल्डर जेल लग जाता है तो आपको क्या करना है एसीटोन मतलब वाइप्स लेना है एसीटोन वाला एंड उससे आपको जहाँ एक्स्ट्रा अगर जेल लग जाता है तो वो क्लीन कर देना है ठीक है ये मैंने एक्स्ट्रा कुछ लग गया था तो मैंने ये इससे क्लीन कर दिया है अब मैं इसको सिक्सटी सेकंड क्योर कर दूँगी ताकि अगर क्या एक्स्ट्रा जेल होता है वो लगा हुआ होता है तो फिनिशिंग अच्छी रही आती है तो इस तरीके से हम इसको क्लीन कर देंगे एंड देन सिक्सटी सेकंड क्योर करने के बाद ये हमारा सिक्सटी सेकंड मैंने क्योर किया है एंड देन मैं अब इस पर टॉप कोट अप्लाई करें लास्ट में आपको बोती या पे टॉप कोट कभी भी अप्लाई नहीं करना है चाहे बोती लगा रहे हैं डायब लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं उस पर टॉप कोट कभी अप्लाई नहीं करना क्योंकि जो उसकी प्रॉपर फिनिशिंग होती है टॉप कोट से चली जाती है तो सिर्फ साइड के जो पार्ट होते हैं सिर्फ उसमें ही हम टॉप कोट अप्लाई करेंगे अदरवाइज़ उन ज्वेलरी या उन सब के ऊपर हम टॉप कोट अप्लाई नहीं करेंगे इसको हम सिक्सटी सेकेंड क्योर कर रहे देखिए ये सिक्सटी सेकंड क्योर हो गया है बिल्डर जेल से बहुत अच्छे से ये चीज़ें स्टिक हो जाती है आप ऐसे हिला के देखेंगे तो भी नहीं हिलेगा काफ़ी लॉक लास्टिक भी चलता है एंड बहुत अच्छा लुक क्रिएट होता है तो आप इस तरीके से ये आर्ट क्रिएट्स कर सकते हैं मैं आपको ऐसे एक फिंगर में लगा के बताती हूँ किसी भी एक फिंगर में आप ये आर्ट दे सकते हैं इसकी प्रॉपर एप्लीकेशन करनी होगी मैं ऐसे ही लगा के बता रही हूँ बहुत प्यारा आर्ट लगता है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग